हे एवरीवन, दिस इज आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। इट्स अ गुड न्यूज़ कि हम 11th ऑफ अप्रैल से सिविल 3D का नया बैच शुरू करने वाले हैं और जो ट्रेनिंग होगी आपकी वो अपडेटेड सॉफ्टवेयर पे होगी, डेट इज 2024 वर्जन, जो कि सिविल 3D के ऊपर रहेगी। और इस पूरे सॉफ्टवेयर में किन किन कॉन्सेप्ट्स को ऐड किया है, जो सिलेबस यहाँ पे चेंज किया गया है, जिन कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे प्रीवियस सेशंस अगर आपने देखे होंगे आप वॉक थ्रू कर सकते हो वहाँ पे, तो कुछ कंटेंट हमने यहाँ पे चेंज किया है जिसका मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन यहाँ पे रखने वाला हूँ हर एक कॉन्सेप्ट का, और यानी कि सिलेबस में क्या कुछ होने वाला है वो पूरा कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे वन बाय वन देखने वाले हैं। तो मैं आपको प्रेजेंटेशन की हेल्प से पूरा एक ओवरव्यू देने वाला हूँ यहाँ पे सिविल 3D का, जो कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे होने वाले हैं। जैसा आप यहाँ पे स्लाइड चेक करोगे, पहला जो आपके पास स्लाइड है इसमें हमने 4 यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। यानी कि सिविल 3D सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये बेसिकली BIM से रिलेटेड सॉफ्टवेयर है। BIM का मतलब बिल्डिंग इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग, यानी कि प्रोजेक्ट की प्लानिंग से लेकर के और उसके एग्जीक्यूशन तक का पूरा काम आप सिविल 3D में देख सकते हो। कुछ ऐसा ही सॉफ्टवेयर आपके पास ये होता है, यानी कि आप इसमें बेसिक से पूरा वर्क शुरू करेंगे और एंड तक जो इसमें आपको DPR क्रिएट करना होगा, एक वर्क थ्रू आपको क्रिएट करनी होगी, एक एनिमेशन आपको बनाना होगा किसी भी प्रोजेक्ट का, चाहे वो सर्वे का हो सकता है या फिर एनिमेशन का हो सकता है, हाईवे का हो सकता है। सो कहने का मतलब ये है कि स्टार्टिंग से लेकर के और उसका एग्जीक्यूशन तक, प्लानिंग से एग्जीक्यूशन, पूरा वर्क आपका यहाँ पे होने वाला है। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ BIM सॉफ्टवेयर, राइट। आप यहाँ पे पिक्चर्स को चेक करोगे, पहले आपके पास किसी भी प्रोजेक्ट की प्लानिंग करनी होगी, देन उसे आप एक बिल्ड फेज में लेकर के जाओगे। बिल्ड फेज में लेकर के आने के बाद आप उसका एक 3D मॉडल यहाँ पे क्रिएट करते हो और सबसे लास्ट में जो इमेज है जरा उसको ध्यान से देखोगे तो पूरा आपका एक ऑपरेशनल वर्क यहाँ पे होगा, यानी कि आपको एग्जीक्यूशन भी यहाँ पे करना होगा। डेट्स वाई जो हाईवे बनता है उसमें सबसे पहले आपको डेटा कलेक्शन करना होता है। डेटा कलेक्शन करने के बाद आपको एक रिपोर्ट्स है, अलाइनमेंट्स क्रिएट करने होते हैं, असेंबली पॉइंट आपको डिफाइन करना होगा, सेंटर लाइन आपको बनानी होती है और पूरे कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं, उससे लास्ट में एक हाईवे डिजाइन करते हैं। उसी पैटर्न को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। सो अगली स्लाइड्स को अगर मैं यहाँ पे चेक करता हूँ तो सिविल 3D का एक बहुत ब्रीफ मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ किस तरह का सॉफ्टवेयर है। जैसा मैंने बताया कि कोई ऐसा टिपिकल सॉफ्टवेयर नहीं है, आप इसमें आप बहुत अच्छे से एक ऑप्शन को डिज़ाइन कर सकते हो, उनको एनालिसिस अगर आपको करना है तो भी फेज़ आपके पास यहाँ पे रहता है। इसके अलावा जो आप यहाँ पे स्टडी करोगे अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के, उनको एनालाइज करोगे, जो भी सिविल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स होंगे, राइट, हाईवे हम यहाँ पे बना रहे हैं, सर्वे का काम यहाँ पे देख रहे हैं, यानी कि फील्ड में बनने से पहले ही आप उस प्रोजेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जर्वेशन कर पा रहे हैं। अलग अलग व्यूज़ होंगे जिनके बिहाफ पे हम देख पा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर जो प्रोजेक्ट आपका बनने से पहले कैसा यहाँ पे दिखेगा। इसके अलावा इसमें कुछ मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास होते हैं, लाइक पूरा पैकेजेस है जिसमें आप ड्रेनेज कंडीशंस को डिफाइन कर सकते हैं, सैनिटरी सीवर स्ट्रॉम वाटर अगर आपको डिज़ाइन करना है, हाइड्रो कैपेसिटी फ्लो आपको करना है, रिवर इंजीनियरिंग के ऑपरेशंस होंगे, सरफेस टोपोग्राफी अगर आपको चेक करना है। सरफेस टोपोग्राफी के अलावा अगर आप चाहते हो कि ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे देखें तो भी इजीली आपके पास वो अवेलेबल होता है, यानी कि सॉफ्टवेयर तो बना ही दोनों के लिए है। आप सर्वेइंग का काम यहाँ पे कर सकते हो, आप ट्रांसपोर्टेशन डिजाइनिंग का काम यहाँ पे कर सकते हो। अगले स्लाइड्स में हम उन्हीं के बारे में बहुत डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो सिविल 3D को जैसा मैंने बताया कि अगर आप इससे कुछ पार्ट्स में कन्वर्ट करते हो, है क्या एक्चुअल में ये सॉफ्टवेयर, पूरे सॉफ्टवेयर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो मेजर ऑपरेशन है डेट इज कैल्स, कंप्यूटर एडेड लैंड सर्वे, एक और आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे निकल करके आती है, और दूसरी एप्लीकेशन डेट इज हाईवे डिजाइनिंग। हाईवे डिजाइनिंग को थोड़ा सा और ब्रीफ करते हैं, यानी कि आप यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का भी वर्क कर सकते हो। जैसा आप यहाँ पे स्लाइड में देखो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हमारे पास मल्टीपल मोड्स यहाँ पे हैं, ब्रिजेज हैं, रेलवेज हैं, पोर्ट्स हैं, एयरपोर्ट्स आपको डिज़ाइन करना होगा। एयरपोर्ट्स में हम टैक्सीवे, रनवे यहाँ पे डिज़ाइन करते हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे। हाईवेज आपको यहाँ पे डिज़ाइन करना होता है और उससे अपर पोर्शन में आपके पास पूरा का पूरा जो ऑपरेशन रहेगा वो यहाँ पे सर्वेइंग के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर रहेगा, यानी कि आपको सर्वे का काम यहाँ पे करना है। और अगर थोड़ा सा डिटेल में जाते हो तो सर्वेइंग में बेसिकली क्या होता है, फील्ड पे जाते हो तो हमारे पास अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे थर्डोलाइट होता है, टोटल स्टेशन होता है, DGPS है, लीडार है, DEM है, ऑटो लेवल, काफ़ी अलग अलग हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और इन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से हम जो डेटा कलेक्शन करते हैं उस डेटा को हमें क्लैरिफाई करना होता है GPS विजुअलाइजर के बिहाफ पे, या फिर आप ग्लोबल मैपर का यूज़ कर सकते हो, या फिर लीडार फॉर्मेट को उठा सकते हो, या फिर गूगल अर्थ, यानी कि हम इन एप्लीकेशंस का भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। सो पहला एप्लीकेशन कैल्स हुआ, दूसरा सिविल 3D आपने मेंशन किया, तीसरा हम गूगल अर्थ प्रो यूज़ करने वाले हैं, ग्लोबल मैपर हम यूज़ करने वाले हैं, और GPS विजुअलाइजेशन, यानी कि इन सभी एप्लीकेशन का पूरा पैकेज हम यहाँ पे करेंगे। और इन एप्लीकेशंस को यूज़ करने के बाद जो भी हमारे पास डेटा बनता है वो कुछ इस फॉर्म में बनता है।
आप यहाँ पे डेटा चेक करो, कुछ पॉइंट नंबर आपको यहाँ पे गिवन है, उनके डिस्क्रिप्शन है, नॉर्थिंग का वैल्यू है, ईस्टिंग जो डायरेक्शन है उनका वैल्यू आपको मिलेगा, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे गिवन है, उन पर्टिकुलर पॉइंट्स का एलिवेशन भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। सो इस फॉर्मेट का आपको डेटा मिलता है। बेसिकली हम डेटा इंपोर्ट करते हैं, हमारे पास अलग अलग फाइल फॉर्मेट होते हैं, लाइक आप RCP में कर सकते हो, DEM में मेंशन कर सकते हो, डॉट टेक्स फॉर्मेट में आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, और इस डेटा में जो स्क्रीन के ऊपर आपको विजिबल होगा वो कुछ इस फॉर्मेट में मिलेगा। लाइक आपको सबसे पहले पॉइंट नंबर गिवन होगा, एलिवेशन मिलेगा, डिस्क्रिप्शन है, और बेसिकली उसका एक मार्किंग स्टाइल भी आपको यहाँ पे गिवन होगा। सो इस तरीके के डेटा पर हमें काम करना है, तभी आप ये डेटा इंपोर्ट कर लेते हो। इसको इंपोर्ट करने के बाद हमें सर्वेइंग इंजीनियरिंग में कुछ मल्टीपल ऑपरेशंस को फॉलो करना होता है। लाइक आप अगली स्लाइड में चेक करोगे, आपको सरफेस टोपोग्राफी बनानी होगी, कंटूर्स पे काम करना होगा, एलिवेशंस के क्राइटेरिया को समझना होगा, वाटरशेड आपको बनानी होगी, कैचमेंट एरिया है, स्ट्रॉम, सैनिटरी, रन ऑफ, इन सभी कंडीशंस को फॉलो करना होगा। ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको वन बाय वन डिज़ाइन करने होंगे। तो ये कुछ इस तरीके से ऑपरेशंस आपके पास अवेलेबल हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स की इमेजेस मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो। जो कंटूर्स यहाँ पे चेक करोगे उसको थोड़ा सा रेंडरिंग व्यू में लेकर के जाते हो तो कुछ मल्टीपल लाइंस हमें मिलती हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर कंटूर। सरफेस एनालिसिस होगा जिसमें स्लोप का एनालिसिस आप कर सकते हो, कैचमेंट एरिया का एनालिसिस होगा, मल्टीपल फेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं। और थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, तो हमने जो भी सरफेस की कैलकुलेशन हमने की उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन का एक टेबुलर फॉर्मेट चाहिए होता है, यानी कि उनका लेजेंड आप कैसे क्रिएट करो। सो लेजेंड के केसेस में वही है, एलिवेशन, रन ऑफ, स्ट्रीम, ग्रेडिंग, लेजेंड्स क्रिएट करना, और ग्रेडिंग ऑप्टिमाइजेशन का टूल मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस है। ग्रेडिंग ऑप्टिमाइजेशन भी सरफेस सर्विंग इंजीनियरिंग का ही कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप हाइट वाइज, डायरेक्शन वाइज, स्लोप वाइज और सरफेस के बिहाफ पे आप अलग अलग जो क्राइटेरिया है उनके बिहाफ पे कट फिल और स्लोप्स को फाइंड आउट कर सकते हो। सो इन सभी डेटा का आपको एक टेबल क्रिएट करना होता है। जैसे आप यहाँ पे चेक करो, स्लोप का टेबल गिवन है कि पूरे सरफेस को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो कितने कितने स्लोप्स वहाँ पे होंगे, पूरा सरफेस का स्टाइल आपके पास गिवन होगा। इसके अलावा यहाँ पे वाटरशेड की कंडीशंस को देख सकते हो, एरिया आपका फ्लैट है, डिप्रेस एरिया है, ड्रेन कंडीशन है, मल्टी ड्रेन है, फ्लैट एरिया होगा। सो अलग अलग ऑपरेशंस हमारे पास अवेलेबल होंगे। इसके अलावा मिनिमम मैक्सिमम एलिवेशन कैसा होगा सरफेस का, जिसकी कलर स्कीम के बिहाफ पे पूरा डेटा ही आपको यहाँ पे रेडी मिलेगा। और इवन हम इसको PDF फॉर्मेट में प्रिंट भी कर सकते हैं, यानी कि प्रिंट प्लॉट पब्लिश कमांड का यूज़ करके आप एक पूरा शीट यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, तो साइट एंड पार्सल का कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास सिविल 3D में। आप नेशनल हाईवेज पर ट्रैवल करते हो तो आपने देखा होगा कि लगभग 50-60 किलोमीटर के बाद आपको एक रेस्ट एंड सर्विस एरिया मिलता है। रेस्ट एंड सर्विस एरिया में क्या होता है, एक छोटा सा एरिया होगा, वहाँ पे कुछ 2-3 होटल्स होंगे, फ्यूल स्टेशन होंगे, वहाँ पे पार्किंग का एरिया मिलेगा, एक छोटा सा हॉस्पिटल आपको मिलेगा, डिस्पेंसरी टाइप होगी वहाँ पे, गैराज आपको मिलेगा, यानी कि एक छोटा सिटी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं। अब ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका डिज़ाइन होता है साइट एंड पार्सल के बेसिस पर, यानी कि एक बड़े एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना। तो यहाँ पे भी देखो वही है कि पूरा एक बड़े एरिया, ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट था जो कि मेरे सुपरविजन में था, जिसका डेटा मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेशनल हाईवे 152D, आपने नाम सुना होगा, एक्सप्रेसवे है, तो उसका मैंने डेटा यहाँ पे मेंशन किया है। तो कुछ इस तरीके से आपको अमेनिटीज़ यहाँ पे डिफाइन करनी होती है, जैसे फूड प्लाजा है, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन हो गया, डॉर्मेट्री है, यूटिलिटी एरिया, ट्रॉमा सेंटर, तो ये अलग अलग आपको स्क्वायर मीटर के अकॉर्डिंग पूरा आपको एक यहाँ पे अमेनिटीज़ डिफाइन करनी होती हैं। सो साइट एंड पार्सल में कोई भी बड़ा एरिया होगा उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिफाइन करने के बाद कुछ इस तरीके से हमें उसकी एनोटेशन कंडीशंस को डिफाइन करना होता है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट भी मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है इन केस ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग। और अगर थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं, तो साइट एंड पार्सल के अलावा आपको अर्थवर कैलकुलेशन यहाँ पे करनी होती है, जिसमें हम 2-3 मेथड के बिहाफ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे एंड एरिया मेथड आपका हो गया, पूरे स्टेशन वाइज, यानी कि एक एक सिंगल चैनेज का मटेरियल कैलकुलेशन करना, या फिर उसका सेक्शन व्यू डेटा आपको चाहिए, या फिर आप प्रोफाइल क्रिएट करना चाहते हो जिसमें कलर कॉम्बिनेशन आपको डिफाइन करना हो, या फिर आप पूरे के पूरे एरिया का एक साथ आप प्रिंट कराना चाह रहे हो, पब्लिश कराना चाह रहे हो, तो भी उसके ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होते हैं। सो ग्राफिकल मेथड की हेल्प से भी हम पूरा कटफिल कंडीशन यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब ये जितने भी ऑप्शंस आपने देखे, ये बेसिकली लैंड सर्वे से रिलेटेड था, यानी कि सर्वेइंग का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पे फिनिश होता है। और जो दूसरा पैटर्न मैंने बताया था आपको कि आप इसमें ट्रांसपोर्टेशन डिजाइन कर सकते हो। अब जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है उसमें सिर्फ हाईवे ही डिजाइन हम नहीं करने वाले, तब आप पूरे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे चेक करते हो। देखो जरा, आपके पास पहला क्राइटेरिया यहाँ पे रोड्स और हाईवेज का होगा, यानी कि आप हाईवे डिजाइन करोगे यहाँ पे, ब्रिज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, रेलवे नेटवर्क हमें यहाँ पे डिजाइन करना होगा, पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स, यानी कि इन सभी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को
हम यहाँ पे डिज़ाइन करेंगे जिसमें अलग अलग फेजेस होते हैं। जैसे आपने सर्वेइंग में देखा होगा लगभग 7 से 8 हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे, ठीक यही कॉन्सेप्ट हम रखने वाले हैं हाईवे के अंदर। तो पूरा का पूरा जो आपका ये पैकेज रहेगा, ये लिंक है एक दूसरे से, इन्हीं को रिलेट करते हुए हम सर्वे के पूरे पूरे कॉन्सेप्ट को रिलेट करते हुए हम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पे आते हैं। सो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में जो भी कॉन्सेप्ट हम डिज़ाइन करेंगे, जो भी मॉडल हमारे पास रहेगा, वो इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा। यानी कि आप IRC के कोड्स होंगे आपके पास, इंडियन रोड कांग्रेस को फॉलो करेंगे, CSIR के कोड्स होंगे, NHIDCL है, MORTH मिनिस्ट्री ऑफ रोड्स ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज़ की जो कंडीशन हैं उनको फॉलो करेगा। इसके अलावा CPWD के नॉर्म्स होंगे, और अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हो तो अमेरिकन एसोसिएशन के कोड को आप फॉलो कर सकते हो। यानी कि ये कोड्स आपके कहाँ काम आएंगे, तब आप कोई भी कट फिल जनरेट कर रहे हो, आपको एक रिवॉल्व बनानी है, टॉवल क्रिएट करना है, या फिर ब्रिजेज आपको बनाने हैं, उसमें IRC की क्या क्या लोडिंग्स होनी चाहिए, ब्रिज को एनालिसिस करना होगा, या फिर रोड तब आप बना रहे हो तो एक्सप्रेस वे है तो कितनी विड्थ होगी, क्या स्पीड होनी चाहिए, इन पूरे क्राइटेरिया को हमें समझना होगा। और थोड़ा सा डिटेल में चलते हो तो अब मैं कॉन्सेप्ट पे आता हूँ। यानी कि पहला जो काम रहेगा यहाँ पे, पॉइंट्स जो थे हमने डिफाइन किया, सरफेस हमने बनाया, उसके बाद हम प्रोफाइल क्रिएशन करेंगे जिसमें जो अलाइनमेंट आप क्रिएट करोगे उसकी क्या पोजीशन होगी यहाँ पे, कॉरिडोर कैसा होगा, असेंबली सब असेंबलीज किस कंडीशन को फॉलो करोगे, जो डेटा क्रिएट होगा वो कुछ इस तरीके का आएगा जिसमें रोड लाइन है, कर्ब है, स्लॉप की कंडीशन यहाँ पे गिवन होगी, डेलाइट एरिया यहाँ पे डिफाइन करोगे, एम्बैंकमेंट की कंडीशंस को भी आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। और इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए कुछ इस तरीके से हम एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन बनाएंगे अपने हाईवे का। अब ज्योमेट्रिक डिज़ाइन नेशनल हाईवे का, एक्सप्रेस वे का अलग होगा, रूरल रोड्स अगर आप बना रहे हो तो उनका क्राइटेरिया कुछ अलग होता है। तो रूरल रोड के क्राइटेरिया में देखो ज़रा, जो विड्थ है वो कुछ अलग होगी आपके पास, और जॉइंट्स यहाँ पे अलग डिफाइन करोगे, 3 पिट का पेविंग मशीन पैड आपको डिफाइन करना पड़ेगा, ड्रेनेज कंडीशन अलग होगी, यूनिफॉर्म सब बेस आपके पास होना चाहिए। लेकिन तब आप एक एक्सप्रेस वे या फिर नेशनल हाईवे को फॉलो करते हो तो कुछ इस तरीके से हमारे पास एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन होता है जिसमें मल्टीपल लेन हम क्रिएट कर सकते हैं। वो हमारी रिक्वायरमेंट होगी कि आप 2 लेन 2 कैरिजवे बनाना चाहते हो, या फिर 2 लेन 4 कैरिजवे बनाना चाहते हो, ड्यूअल लेन कैरिजवे है, तो वो अलग अलग हमारे पास रिक्वायरमेंट हो सकती है। सो इस पैटर्न को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और थोड़ा सा डिटेल में चलते हो तो कॉरिडोर्स तब आप डिज़ाइन करते हो तो वो कुछ इस तरीके के आपके पास रहेंगे। एक मैं मॉडल आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ, लाइव प्रोजेक्ट की कंडीशंस को आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो, सरफेस से रिलेटेड मार्किंग्स आपको डिफाइन करनी होगी, अलाइनमेंट, सरफेस और प्रोफाइल, इन तीनों के बिहाफ पे आपको एक कॉरिडोर डिफाइन करना पड़ेगा, और कॉरिडोर का कॉम्बिनेशन आपका डायरेक्ट रहेगा सब असेंबलीज से। यानी कि मल्टीपल जो छोटी छोटी सब असेंबलीज हैं उनको डिफाइन करते हुए आप एक सिंगल असेंबली यहाँ पे डिफाइन करोगे, राइट। और थोड़ा सा डिटेल में जाते हो तो इंटरसेक्शन आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे, कुछ इस तरीके का आपके पास इंटरसेक्शन रहेगा, कुछ इमेजेस आप यहाँ पे चेक करो, राउंड अबाउट अगर आपको बनाना है, सर्कुलेटरी जंक्शन आपको डिज़ाइन करना है तो पूरा पैटर्न यहाँ पे गिवन है, दीज आर द 3D मॉडल्स ऑफ द जंक्शन राउंड अबाउट, और दीज आर द मॉडल्स ऑफ योर इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ज़रूरी नहीं है कि 4 का बनाओ, 2 लेन्स का भी हो सकता है, प्राइमरी और सेकेंडरी रोड्स आपको डिफाइन करने पड़ेंगे जिसके भी हाफ पे कुछ इस तरीके से रिजल्ट होंगे। राउंड अबाउट में आपको वीविंग लेंथ, स्प्लिटर आइलैंड, रेडियस ऑफ योर सेंटर आइलैंड, ये सभी कंडीशंस आपको फॉलो करनी होगी, जिसमें फास्टेस्ट रूट यानी कि इमरजेंसी लेन जो होगी उसकी क्या स्पीड होनी चाहिए, वो कैलकुलेशन होती है पूरी, तो स्पीड का एनालिसिस भी आपके पास यहाँ पे राउंड अबाउट में होता है। और थोड़ा सा डिटेल में चलते हो तो आपके पास जो मेन कॉन्सेप्ट है सिविल इंजीनियरिंग का, हाईवेज का, डेट इज सुपर एलिवेशन, जिसको हम बैंकिंग ऑफ रोड भी डिफाइन करते हैं, कंट ऑफ रोड्स, अलग अलग इसके नाम है। तो सुपर एलिवेशन जो यहाँ पे डिज़ाइन करोगे वो बेसिकली 11 टू 12 जो हमारे पास IRC के फॉर्मूलेज हैं उनके बिहाफ पे हम देखेंगे यहाँ पे, जिसमें लेवल सेक्शन आपको डिज़ाइन करना होगा, ग्राउंड सेक्शन कैसे क्रिएट करना है, फुल सुपर एलिवेशन का क्या फॉर्मूला होगा, और ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। अब आप एक स्ट्रेट रोड से सर्कुलर पे जाते हो तो ट्रांजिशन को फॉलो करना पड़ेगा, तो ट्रांजिशन बनाओगे कैसे, उस ट्रांजिशन का क्या फॉर्मूला होगा, रेडियस कैसे फाइंड आउट करना होगा, रेडियस के बिहाफ पे व्हीकल की स्पीड कैसे होनी चाहिए, ये सभी फॉर्मूले आपस में रिलेट करते हैं। सो इन सभी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम सुपर एलिवेशन डिज़ाइन करेंगे। इसके अलावा जो रेलवे इंजीनियरिंग का काम आपके पास होता है, एक रेलवे नेटवर्क आपको डिज़ाइन करना है जिसमें ट्रैक पैरामीटर कंडीशन होंगी, तो ये बेसिकली हम रेलवे स्टैंडर्ड्स के जो कोड्स हैं उनको फॉलो करते हुए डिज़ाइन करेंगे, जिसमें एक्सल लोड है, सब ग्रेड है, ग्रेवल, बैलास्ट, इन सभी कंडीशंस को, ये आपके पास एक ज्योमेट्रिक डिज़ाइन है जिसको हमें फॉलो करना होगा। और ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के बाद जो आपके पास एक्चुअल डिज़ाइन आएगा सिविल 3D में, वो कुछ इस तरीके का होता है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे 3D मॉडल आपके पास गिवन है, राइट। रेंडरिंग करते हो तो कुछ इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपके पास निकल करके आएगा।
और थोड़ा सा डिटेल में चलें ट्रांसपोर्टेशन में, तो बेसिकली पोर्ट्स और एयरपोर्ट का कॉन्सेप्ट आपके पास होता है, जिसमें जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन के कोड्स हैं इनको फॉलो कर सकते हैं, CPWD के कोड्स होंगे, अब ब्यूरो ऑफ सेंट्रल एविएशन जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके कोड को आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें रनवे आपको डिज़ाइन करना है, उसकी क्या कैपेसिटीज़ होंगी, तो ये भी आपका कहीं ना कहीं लिंक करता है साइट एंड पार्सल से। सो इस वाले पैटर्न को फॉलो करने के बाद अगला कॉन्सेप्ट आपके पास कैनाल डिज़ाइन का होता है, जिसमें जो आप हाईवे बनाते हो तो उसमें जो ड्रेनेज कंडीशंस होती हैं वो तो आप क्या तो जो आपके पास डिवाइडर होता है वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, या फिर जो एंडिंग हमारी पेवमेंट होती है यानी कि आफ्टर शोल्डर और एम्बैंकमेंट कंडीशन, तो वहाँ पे भी हम ड्रेनेज कंडीशन को डिफाइन कर सकते हैं। सो उसके लिए क्राइटेरियाज आपके पास अवेलेबल हैं, पाइप नेटवर्क का काम होगा जो कि ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनीज में बहुत यूज़ होता है, उस पैटर्न को फॉलो करते हो तो ये वाला एक क्राइटेरिया आप देखो, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको डिज़ाइन करना होगा, पाइप के नेटवर्क्स हैं, लेआउट यहाँ पे डिज़ाइन करोगे, कैनाल अगर आपको डिज़ाइन करना है तो एक छोटा सा पिक्चर यहाँ पे गिवन है कैनाल का, जो कि कुछ इस तरीके से स्ट्रीम कंडीशन में 3D मॉडल पे डिफाइन कर सकते हो। अगर आप इसको एक एम्बैंकमेंट और प्रोफाइल और जो आपका सरफेस मेथड है इसके बिहाफ पे चेक करते हो तो कुछ इस तरीके से आपके पास एक मार्किंग आएगी आपकी कैनाल की, ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जो कि बेसिकली एक इंडस्ट्रियल पार्क का डिज़ाइन था जिसमें कैनाल गिवन है, तो उसका क्राइटेरिया मैंने यहाँ पे फॉलो किया हुआ है, राइट। तो ये सभी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके पास सिविल 3D में, जिनको हमें वन बाय वन बहुत डिटेल में समझना है, लाइव में कैसे काम होता है, इंडस्ट्रीज में कैसे काम करोगे, DPR कैसे क्रिएट करनी है, इसके अलावा तब अब इस सॉफ्टवेयर को सीख लेते हो तो इसके कहाँ कहाँ स्कोप्स हो सकते हैं, जॉब्स को कैसे सर्च करना है और किन किन कंपनीज़ में आप जा सकते हो, वो पूरा क्राइटेरिया भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। अभी कुछ साइट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, ये हाल ही का डेटा मैंने यहाँ पे सर्च किया है, आप चेक कर सकते हो, जो जॉब्स हैं आपके, आप कोई भी पिन कोड यूज़ कर लो जिस लोकेशन पे आप रहते हो तो वहाँ का पूरा डेटा आपको यहाँ पे गिवन होगा, किन किन कंपनीज़ में रिक्वायरमेंट है सिविल 3D सॉफ्टवेयर पे। इसके अलावा इन डेटा को जब आप चेक करोगे तो 795 वैकेंसीज़ हैं लिंक्डइन पे अभी पोस्टेड है, 58 अलग अलग जो डिफरेंट कंपनीज़ हैं उनमें, 5546 लिस्टेड हैं naukri.com पे, 4921 फिर से लिस्टेड है naukri.com पे अलग अलग लोकेशंस पे, तो इस तरीके से इंडीड पे भी चेक कर सकते हो आप, अलग अलग लोकेशंस यहाँ पे गिवन होंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आप मतलब इसका एक वाइड वास्ट एरिया है इसका सिविल 3D का, इन केस ऑफ योर सर्वेइंग एंड हाईवे इंजीनियरिंग, राइट। अब इस सॉफ्टवेयर को सीखने के बाद कुछ लिस्टेड कंपनीज हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनका एक पोर्टफोलियो है, उस कंपनीज़ को अगर आप देखोगे तो आयरकॉन इंटरनेशनल है, ओबरॉय रियलिटी, GMR है आपके पास, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया SR, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी है, यूनिटेक कंपनी है, और इसके अलावा फॉरेन की कंपनीज़ को देखो तो डेलॉइट है यहाँ पे, और इंडिया की बात करें तो L&T है जो कि फॉरेन में भी प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए हैं, GMR स्पेशली एयरपोर्ट्स के लिए है, टाटा प्रोजेक्ट्स हैं, गैमन इंडिया है, तो आप इन कंपनीज़ में, ये लिस्टेड कंपनीज़ हैं, इसके अलावा बहुत सारी हैं, एक लिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें अप्रोक्स 127 के आसपास कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं जिसमें आप अपना सिविल 3D के बिहाफ पे एक बेटर आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। सो जितने भी कॉन्सेप्ट अभी आपने देखे इनको हम वन बाय वन बहुत डिटेल में समझने वाले हैं, बेसिक से फ्रॉम स्क्रैच टू एडवांस हमारे के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे समझेंगे कि जो भी आपके पास गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनमें कैसे काम होता है, DPR कैसे बनाओ, आपको प्रिंटआउट्स कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करने होते हैं, और DPR में किन किन एनोटेशंस का यूज़ किया जाता है, सो वन बाय वन हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट पे काम करने वाले हैं। सो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू यू कि हम 11th of April यानी कि थर्सडे को नया बैच शुरू होने वाला है, लाइव बैच है, लाइव ट्रेनिंग आपकी होने वाली है, इंटरेक्टिव सेशंस आपके पास रहेंगे, इवन आप अपने डाउट्स भी वहाँ पे क्लैरिफाई कर सकते हैं, और सो जो कोर्स के चार्जेस है वो बहुत बहुत ज़्यादा नॉमिनल हैं, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं, वीडियो के लिंक में कमेंट में लिंक पिन किया हुआ है, वहाँ पे पूरा डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप में ट्रेनिंग ना लेकर के प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, 1-to-1 सेशन करना चाहते हैं, तो भी उसके स्लॉट्स अवेलेबल हैं, सो सिंपल यू हैव टू कॉल द नंबर जो कि कमेंट सेक्शन में गिवन है, कोर्स का लिंक भी गिवन है लिंक में, वहां पे जाकर के चेक करें कि किन किन कॉन्सेप्ट्स पे आपकी ट्रेनिंग होगी, ये सभी कॉन्सेप्ट्स के अलावा जो माइनर डिटेल्स वहां पे गिवन है उनको फॉलो कर सकते हैं, कुछ फ्री रिकॉर्डिंग्स आप वहां पे चेक कर सकते हैं, आफ्टर दैट यू कैन ज्वाइन द कोर्सेज। सो मिलते हैं लाइव सेशन में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, गुड बाय, टेक केयर।